चलो भाई तो आप लोगों को याद होगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था कल की क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बात हो गई थी याद है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल पे हमने कल बात कर ली थी एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ साथ मैंने आपको कोलिनियर टी की तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राएंगल जीरो आता है इस बात पर भी हमने सारी बात कर ली थी ठीक है उसके बाद कुछ बच्चे चाह रहे थे कि उसका प्रूफ भी आपको दिखा दिया जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो है वो हमने कैसे निकाला तो सबसे पहले हम उस प्रूफ पे ही बात करने वाले हैं ठीक है चलो ध्यान से देखना सभी बच्चे सबसे पहले प्रूफ पे ही बात करेंगे ठीक है जी सबसे पहले एक ट्राइंगल अपन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान बने एक मिनट वेट करना बस इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा ठीक सजे चलो ये इतना ठीक है ठीक है भाई ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस तीन वर्टिसेस पे बात कर लेते हैं ठीक है ये वाला वर्टिसेस मान लो इसको कह दिया हमने क्या एक्स वन वाई वन ठीक है भाई इसको बोल दिया एक्स वन वाई वन ये वाला जो वर्टिसेस ये हो गया एक्स थ्री वाई थ्री

जैसे कि एक परपेंडिकुलर तो भाई ये आ आगे ठीक है इस वर्टिस से फिर एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ इस वर्टिस से डाल दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ इस वर्टिस से डाल दिया तीनों परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहे होंगे तीनों परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहे होंगे ठीक है बात ये चलो आगे बात करते हैं तो काम की बात क्या है काम की बात ये है आप लोग मुझे बताइए मैं आपको यहाँ पे शेड करके बता रहा हूँ ठीक है पॉइंट्स के नाम ये है गया ए ये बी

सर ब्लू इज़ नॉट विजिबल थोड़ा बहुत तो होगा यार अब मैं ब्लू से नहीं करूंगा काम ठीक है तो क्योंकि अब हटाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी किसी और उससे ठीक है थोड़ा सा दिख रहा होगा चलो अब मेरे को एक बात बताइएगा मैं आपसे ये कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा आप लोग ही बताइएगा क्या मैंने सही बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक ट्रेपीजियम कंसिडर कर रहा हूँ ट्रेपीजियम ठीक है जी टी आर ए पे यानी ट्रेपीजियम की बात करूं ट्रेपीजियम कौन सा कंसीडर कर रहा हूं भाई मैं ए बी एफ डी ट्रेपीजियम देख लो ध्यान से ए बी एफ डी क्या सभी को नजर आ रहा है ट्रेपीजियम पहले इसके लिए हामी भरो यस बोलो क्या ए बी एफ डी आप सभी को नजर आ रहा है क्या ए बी एफ डी आप सभी को नजर आ रहा है जल्दी से बोलो क्या ए बी एफ डी आप सभी को नजर आ रहा है जल्दी से बोलो ठीक है ना अच्छा ए बी एफ डी प्लस ट्रेपीजियम एक और ट्रेपीजियम मैं ले रहा हूँ आप लोग बताइए क्या क्या वो नजर आएगा दूसरा ट्रेपीजियम मैं ले रहा हूं बी सी ई e, एफ जल्दी से बोलो बी सीईफ e, क्या ये ट्रेपीजियम नजर आया आप सबको बी सी एफ क्या ये वाला ट्रेपीजियम नजर आ रहा है बी सी और एफ ठीक है जी और इन दोनों ट्रेपीजियम को जोड़कर मैं इसमें से एक ट्रेपीजियम हटा रहा हूँ जो हटा रहा हूँ मैं उसका नाम दे रहा हूँ जो ट्रेपीजियम में हटा रहा हूँ मैं उसका नाम आपको बता रहा हूं ट्रेपीजियम में हटा रहा हूँ ए सीई डी ए सीई डी बोलो जल्दी से

ठीक है बात ये हो गया ए बी एफ डी सही बात है क्या ये हो गया ए बी एफ डी ठीक है एक और मैं ट्रेपीजियम ड्रॉ कर ले वो शेड कर देता हूँ यहाँ पे रेड कलर से दूसरा जो है बी सी ई एफ बी सी ई एफ यानी ये वाला सही बात है क्या बी सी ई एफ ये वाला और इन दोनों को जोड़ने के बाद मैं अगर तीसरे को माइनस करूंगा तीसरे को माइनस करूंगा तीसरा कौन है भाई जल्दी से बोलो तीसरे वाला कौन सा है आपको दिख रहा है क्या तीसरा मैंने किसको बोला ए सीई डी e, यानी कि ये वाला जब इस वाले को माइनस करूंगा इतने पोर्शन को तो क्या मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेंगल नहीं आ जाएगा जल्दी से बोलो क्या एरिया ऑफ ट्रेंगल नहीं आ जाएगा क्लियर है सभी को जल्दी से बोल दो यार एक बार यस ठीक है बस अब यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था एरिया ऑफ ट्रेपीसियम का फॉर्मूले पे अब हम बात कर लेते हैं ना ट्रेपीसियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ साइड में कर देते हैं इसको ताकि हम यूज कर पाए ठीक है चलो अब देखो जल्दी से ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सभी को याद है क्या ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरल साइड्स, जो पैरल साइड होती है उनका सम हाफ इंटू समल साइड इन टू में जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो हाफ इंटू समल इंटू मई पर काफी सारे बच्चों ने तो फॉर्मुला लिख के भी भेज दिया बहुत सही है ना बहुत जबरदस्त तो ध्यान से देखिएगा अब अगर मैं कहता हूँ मुझे इसका एरिया अगर निकालना है तो इसमें जो पैरेलल साइड्स है देखो ध्यान से सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सभी का एरिया अलग अलग एरिया ऑफ ए बी एफ डी तो आप जानते हैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ Of parallel sides. Parallel sides कौन कौन सी एडी है और बी एफ है एडी है और बी एफ है ना समी प्लस बी एफ ये तो समय साइड का बोलो ये तो सम आ गया साथ, का. और फिर साथ में क्या करना हमें इन टू में height. अब height क्या होगी? अगर ये पैरल साइड है तो हाइट ये होगी ए बी हाइट होगी क्या ए बी बोलो सही बात है हाइट हो जाएगी ए बी ये तो आ गया पहले वाले का एरिया ऐसे ही एरिया ऑफ जो दूसरे वाला फिगर है वो क्या है बी सी एफ Is equal to half, sum of parallel sides. आप बताओ सम ऑफ पैरल कौन कौन सी आएंगी बी सी एफ इसमें कौन कौन सी आएंगी जल्दी से बताओ एक तो सीई e आ गई और एक बी एफ आ गई बोलो सही बात है क्या सीई e और बी एफ हाँ सही है सभी का जवाब यानी सबको समझ में आ रहा है बहुत सही सीई e और बी एफ तो यहाँ e आ जाएगा क्या सीई आ गई और बी एफ आ गई हाइट भी बता दो फिर हाइट क्या आ रही है इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या आएगी ट्रेपीजियम के लिए जल्दी से इस ट्रेपीजियम के लिए हाइट का, का काम क्या क्या कर 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 रहा BC कर रहा 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 होगा 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 बिल्कुल सही जवाब कौन कर रहा BC. ठीक है बात ये तो पहले दो आगे अब तीसरे वाला क्या है ए सीई डी ये पहले वाला था ये दूसरा ट्रेपीजियम था अब ये जो क्वेश्चन में तीसरा ट्रेपीजियम है एरिया ऑफ ए सीई डी इसका भी क्या आएगा हाफ समल साइड ए सीई डी देखो ए सीई डी तो पैरेलल तो कौन कौन है एडी और सी ए और सीई बोलो ए डी प्लस सीई ये तो पैरेलल आ गई इनटू में जो हाइट है इसके लिए क्या काम कर रहा होगा एसी कर रहा होगा बोलो कि हाइट एसी होगा इसका हाइट एसी होगा सभी को क्लियर हाइट आ गया एसी बस अब आप करोग आपको करना क्या इन दोनों को जोड़ो और इसको माइनस कर दो है ना इसमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगे अब आपको वैल्यूज डालते ही आपके पास वो जो पहला फॉर्मूला कल मैंने लिखवाया था वो ड्राइव हो आ जाएगा ठीक है जैसे मान लीजिए मैंने कहा एडी की वैल्यू डालिए तो AD की वैल्यू क्या आने वाली है देखो AD की वैल्यू ये वाली वैल्यू क्या आएगी वाई वन बोलो क्या AD की वैल्यू वाई वन आप सबको नजर आ रही है हैं डायग्राम बड़ा कर दू? एक बार देख लेना बोलो ध्यान से देखना अगर मैं कहता हूं वैल्यू AD की तो AD की वैल्यू क्या आएगी वाई वन सही बात है क्या ठीक है ना तो ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जो उस फॉर्मुला में हमने यूज करी ठीक है सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी जो उस फॉर्मूला में हमने यूज करी ठीक है भाई ये ये वाला पेज आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे फिर आप खुद ट्राई करके देखना आ जाएगा आंसर ठीक है मयूर कह रहा है सर वाई वन क्यों आएगी बेटा ये ए है ना ये देख ये वाला पॉइंट ये वाली चीज ये पॉइंट डी तो गिवन ही था डी कितना था एक्स वन कोमा वाई वन कितना था एक्स वन कोमा वाई वन एक्स वन कोमा वाई वन एक्चुअल में बेटा क्वेश्चन तो कल कर लिया था ना एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया हूं। जो बच्चे कल कह रहे थे फॉर्मूला बता दो वो ये फॉर्मूला ड्राइव करने का तरीका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ठीक है ना क्वेश्चन तो कल हमने बहुत सारे कर लिए थे जैसे ही आप इस इस चीज को सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सामने आ जाएगा आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने लेना हो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी से आप लोग करके बताएं एक क्वेश्चन मैं आप सबके सामने दे रहा हूँ जल्दी से स्पीड से आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कैलकुलेट करना है जल्दी से दे रहा हूं दे रहा मैं आपको ए थ्री कोमा टू ठीक है बी जो वर्टिस है वो आपको गिवन है इलेवन कोमा एट और सी जो वर्टिस एट कोमा ट्वेल्व ठीक है, है 8, ये तीन वर्टिस गिवन है भाई जल्दी से आप लोग सॉल्व करके मुझे एरिया निकाल के बताओ स्पीड से आंसर आना चाहिए सभी का फॉर्मूला आपको कल सिखाई दिया था मैंने हाँ भाई जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर से डिवाइड नहीं किया शायद आर्यन सिंह ने भी टुडे टू से डिवाइड नहीं किया भाई शायद देख लो वन बाई टू आता था ना बाहर ठीक है क्या चलो अब लगाते हैं भाई कल मैंने आपको करना बताया था सॉल्यूशन देखते हैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कल बताया था कैसे करते थे हाफ हाफ तो बाहर रखते थे ठीक है जी फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ पे मोड लगा देते थे, थे? पॉइंट्स को लिखना शुरू किया थ्री टू फिर क्या आता था इलेवन एट फिर क्या आता था एट ट्वेल्व और फिर वापस कहाँ पे खत्म करते थे थ्री टू पे कल हमने करना सीख लिया था ये फिर वन बाय टू मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होगी करनी ठीक है जी मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होगी कैसे होती थी थ्री इंटू एट यानी ट्वेंटी फोर इलेवन इंटू ट्वेल्व यानी कि वन थर्टी टू और एट इंटू टू कितना आ जाएगा भाई सिक्सटीन आ जाएगा यहाँ तक सभी बच्चों ने कर लिया होगा फिर उसके बाद माइनस का साइन दूसरी ब्रैकेट आती थी और हम ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा बोलो ये ट्वेंटी टू फिर क्या आएगा बोलो एट इंटू एट सिक्सटी फोर और फिर क्या आएगा ट्वेल्व इंटू दैट इज थर्टी सिक्स उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों ने कर लिया होगा हाफ बोलो ये कितना आया इस सब को जोड़ के कितना आ रहा है सोलह और चौबीस चालीस हो गया चालीस में एक सौ बत्तीस जोड़ा तो एक सौ बहत्तर हो गया वन टू माइनस सिक्सटी फोर ये हो गया वन ट्वेंटी टू बोलो क्या सही बात है और इसको तो आप आगे सोल्व कर लोगे अंदर फिफ्टी आ गया फिफ्टी बाई टू कितना आ गया बोलो फिफ्टी बाई टू कितना आ गया 25 किस किस का आंसर सही आ गया जल्दी से रिप्लाई भेजो किस किस का आंसर सही आ गया है क्लियर है क्या सभी को क्वेश्चन अरे वाह आज तो सेवेंटी थ्री की स्ट्रेंथ बैठी है पूरी जल्दी से बोलो क्या आप सभी को क्लियर है सभी बच्चे पेन जरूर चलाते रहे भाई ठीक है चलो इसके बाद एक क्वेश्चन मैं अब आप आपको कोलिनियर के कंसेप्ट देता हूँ एक क्वेश्चन मैं आपको कोलिनियर के कंसेप्ट दे रहा हूँ ठीक है ना कल कोलिनियर वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे आपको याद होगा क्वेश्चन है आपके पास आपको के की वैल्यू निकालनी है अगर जो पॉइंट है पॉइंट क्या है के कोमा टू माइनस टू के एक पॉइंट तो ये गिवन है फिर एक पॉइंट गिवन है माइनस के प्लस वन कोमा टू के एक पॉइंट ये गिवन है और एक पॉइंट गिवन है आपको माइनस फोर माइनस के कोमा सिक्स माइनस टू के एक पॉइंट ये गिवन है आप ठीक है ये तीन पॉइंट आपको गिवन है भाई आपको बताना है कि के वैल्यू क्या आएगी अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना ये तीनों पॉइंट्स क्या है ये आर कोलिनियर तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोलिनियर के लिए आपको याद होगा कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करते थे चलो मैं करके दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन कोलिनियर के लिए आप क्या करते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप क्या करते थे जीरो कर देते थे सही बात है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करोगे तो वन बाई टू तो उधर जाके जीरो ही हो जाएगा तो हम सीधा फॉर्मा लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या लगेगा K, दूसरा point के दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है टू माइनस टू के फिर पॉइंट क्या दे रखा है माइनस के प्लस वन और यहाँ दे रखा है टू के फिर पॉइंट दे रखा है माइनस फोर माइनस के और यहाँ दे रखा है आपको सिक्स माइनस टू के और फिर वापस से जहाँ पे आपने शुरू किया इंपॉर्टेंट यही है जहाँ शुरू किया है वहीं पर खत्म करना तो कहाँ से शुरू किया के से शुरू किया और टू माइनस टू के तक आप गए पॉइंट क्लियर है और ये सारी चीज़ किसके बराबर आएगी भाई जीरो के बराबर आएगी उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा आगे अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होगी सबसे पहले क्रॉस में इस प्रकार ठीक है जी ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए कितना आएगा बोलो के को टू के से किया तो कितना आ जाएगा भाई सबसे पहले आएगा टू के स्क्वेयर फिर माइनस के को पहले इन दोनों से कीजिए तो कितना आएगा माइनस का सिक्स के कैल्कुलेशन देखते रहना भाई कहीं गलती ना करूँ माइनस सिक्स प्लस टू हो जाएगा ट्वेल्व के स्क्वेयर फिर वन से किया तो वन से किया तो सिक्स आया और माइनस का टू के आया बोलो सही बात है क्या क्या, क्या किया दोबारा देख लो पहले माइनस के को इन दोनों से किया और फिर प्लस वन को इन दोनों से किया पहले माइनस के को किया फिर प्लस वन को किया अगली बार नीचे पहले माइनस फोर को करूंगा फिर माइनस के को करूंगा ठीक है जी पहले माइनस फोर को करते हैं तो जैसे ही मैं माइनस फोर को करूंगा इन दोनों से तो कितना आएगा बोलो माइनस का एट माइनस फोर को टू से किया माइनस का एट माइनस फोर को माइनस टू से किया तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस एट के ठीक है जी फिर माइनस के को इससे किया तो आ गया माइनस का टू के और माइनस माइनस प्लस का टू के स्क्वे सही है बात क्या यहाँ तक ठीक है भाई ये तो मैंने तीनों को डायग्नली कर दिया सबसे पहले मैंने तीनों को डायग्नी आंसर आने लग गया बच्चों के चलो तीनों को मैंने डायग्नली कर दिया अब मैं जो दूसरा डायग्नल है उसको दिखाता हूँ यानी ये वाला डायगनल इसको इससे इसको इससे और इसको इससे ठीक है जी यही तो करना है चलो करते हैं तो माइनस और फिर ब्रैकेट स्टार्ट पहले इसको इससे किया तो माइनस टू को इससे करोगे कितना आएगा भाई माइनस का टू के और माइनस टू को वन से टू को वन से करोगे तो कितना आएगा टू आ जाएगा माइनस टू को माइनस इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस का टू के स्क्वेयर और माइनस टू के को वन से करोगे तो माइनस का टू के कर उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को माइनस टू के को वन से किया टू के है ना बताते रहना कहीं पर गलती ना करूँ मैं ठीक है उसके बाद माइनस फोर माइनस के को जब टू के से किया तो टू के को इससे करोगे कितना आएगा माइनस का एट के और टू के को माइनस के से करोगे तो माइनस का टू के स्क्वेयर देख लो ऐसा क्वेश्चन ये ये होता है कंपटीशन वाला है ना धीरे धीरे पहुंच के हम उस क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं कल मैंने बहुत सारे क्लियरिटी के पे आपको क्वेश्चन कराए थे लेकिन उनमें से ऐसा कोई नहीं था हर पॉइंट पे के से मल्टीप्लीकेशन चल रही है फिर के को जब यहाँ कराओगे तो कितना आएगा बोलो सिक्स के और के को जब माइनस टू से कराओगे तो माइनस का टू के स्क्वेयर ये चीज आ गई ठीक है अब ये फाइनली आपके पास सारी चीज बनकर आ गई है ये फाइनली अब आपके पास सारी चीज बनकर आ गई है अब हमें एक एक करके चीजों को देखना है पहले हम के स्क्र वाली टर्म्स को देखते हैं ऊपर देखो के स्कर में एक तो ट्वेल्व आ गया, गया। ट्वेल्व और टू हो गया कितना भाई एक एक करके काउंट करो ट्वेल्व और टू फोर्टीन आ गया फोर्टीन में फिर आपने ये वाला टू के स्क्र जोड़ दिया तो कितना आ गया सिक्सटीन के स्क्वेयर पहले के स्क्वेर लिख रहा हूँ सिक्सटीन का के स्क्र अब के वाली टर्म्स देखते हैं भाई देखो के वाली टर्म्स में क्या क्या आ गया माइनस का सिक्स के और माइनस का टू के यानी माइनस एट और प्लस एट ये तो कैंसिल ही हो गया अभी तक माइनस एट प्लस एट तो कैंसिल फाइनली क्या बचा माइनस टू के बचा फाइनली माइनस टू के अब कांस्टेंट टर्म देख लो तो कांस्टेंट टर्म में एक तो छः आ गया और एक माइनस एट तो ओवरऑल कितना बच गया भाई माइनस टू बताओ क्या यहाँ तक कैलकुलेशन मैंने सही कर दी है जल्दी से रिप्लाई भेजो यस या नो में क्या कैलकुलेशन यहाँ तक मैंने सही करी है जल्दी से रिप्लाई भेजो रिप्लाई भेजो जल्दी से सभी बच्चे सभी को यहाँ तक कैलकुलेशन में क्लियर है जल्दी जल्दी मैसेज भेजो भाई है ना जल्दी जल्दी मैसेज चलो बहुत सही अब येलो वाली चीज़ पे बात करते हैं जो येलो के अंदर लिखा है उस पर बात करते हैं माइनस का निशान तो था ही ब्रैकेट में देखो ध्यान से पहले के स्क्वायर के स्क्वायर पे देखो तो ये आ गया टू के स्क्वायर और फिर ये माइनस का टू के स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गया फाइनली माइनस टू के स्क्र बच्चा और बाहर माइनस था तो यहाँ पे फिर माइनस टू के स्क्वायर लिख दिया हमने पहले ठीक है जी अब के वाली टर्म्स देखते हैं तो टू के आ गया माइनस का टू के माइनस फोर के माइनस एट यानी और का 6K हो। सही है बात ये उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म देखो दो आ गया और सिर्फ दो ही है है ना केवल दो ही है तो प्लस में कितना आ गया टू आ गया ठीक है अब उम्मीद करते यहाँ से आगे तो अब सब सॉल्व कर लेंगे और ये सब जीरो के बराबर चल रहा था है ना? ये सब किसके बराबर चल रहा था भाई जीरो के बराबर अब देखो, आ रहा है. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माइनस टू और माइनस टू कितना हो जाएगा भाई माइनस फोर और ये चीज बराबर किसके आ गई जीरो के क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को ये चीज ट्वेल्व के स्कोयर कैसे आया ट्वेल्व के स्क्वेयर कहां पर आया भाई अच्छा ये वाला ये तो मल्टीप्लाई किया था ना भाई ट्वेल्व के स्क्वायर ये मल्टीप्लाई किया था देख यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है भाई ये ट्वेल्व के स्क्वायर एक बार देखना पहले हमने इसको किया था ना इस वाले को मैंने यहाँ टू के स्क्वायर आना था कि एक बार बताना जरा क्या टू के स्क्वायर आएगा टू के आएगा क्या मुझे गलत लग रहा है मैंने गलत लिख दिया है के को टू से किया टू के स्क्वायर आया फिर माइनस का सिक्स के आ गया माइनस का सिक्स के और माइनस माइनस टू के स्क्वायर आएगा भाई सही बात है हाँ गलत हो गया यहाँ पे चलो सही है समय पे बता दिए एक बार ही नहीं बच गए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन से भाई यहाँ पे टू के स्क्वायर आएगा बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कितना आएगा बोलो प्लस का टू के स्क्वायर आएगा माइनस का प्लस का टू के स्क्वायर आएगा और फिर सिक्स किस चीज़ का था ये प्लस का सिक्स था क्या अब ठीक है ये फिर तो यहाँ पर भी गलती हुई होगी जल्दी से बताओ यहाँ क्या आएगा के स्क्वायर मुझे इतना बता दो आप लोग यहाँ पे क्या आएगा सोलह के स्क्वायर की जगह जल्दी से बता दो यहाँ सोलह के स्क्वायर की जगह फाइनली यहाँ पे क्या आ रहा है क्या सिक्स के स्क्वायर आ रहा है जल्दी से बताओ सोलह के स्क्र की जगह क्या आएगा यहाँ पे हाँ जी सोलह के स्क्वायर की जगह क्या आएगा फोर के स्क्वायर करके देख लें चलो करके देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो देखो टू के स्क्वायर और ये था टू के स्कोर ये हो गया फोर के स्क्वेयर फोर के स्क्र और फिर प्लस में टू था छाछ के स्क्र आ गया तो यहाँ पर आएगा सिक्स के स्क्वायर और छह में से जब आपने दो जोड़ो तो यहाँ एट आएगा छ में जब आप दो जोड़ोगे तो यहाँ एट आ जाएगा बोलो सही बात है क्या आप सही है जल्दी से बताओ क्या आप सही लिखा है ये एट के स्क्वायर ठीक है मैं इक्वेशन एक बार दोबारा लिख देता हूँ है ना कहीं पे हमने शायद गलत ना किया बट ठीक है एट के स्क्र प्लस फोर के माइनस टू यही आएगा भाई ठीक है जो मैंने ये निकाल दिया यही आ रहा है ठीक है बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो चीज आ गई है अब इसको आपको फैक्टराइज करना है आप क्या कॉमन ले लोगे फोर के कॉमन फोर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा टू के स्क्वेयर प्लस टू के माइनस टू प्लस वन के आएगा सॉरी प्लस के माइनस वन इक्वल टू जीरो चीज आ जाएगी ठीक है जी ठीक है इसको एक मिनट वेट करना भाई है ना जस्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिन। 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 जस्ट वेट फॉर अ मिनट जी चलो के भी कॉमन आएगा एक भाई कह रहा है के कॉमन क्यों आएगा भाई कॉमन नहीं आ रहा। यहां देखो बिल्कुल तो आ, तो आ, आ, आ रही है मेरे पास है सोल्यूशन फोर उधर जीरो से खत्म हो गए इसके फैक्टर आपको बनाने हैं क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे टू के स्कोर प्लस टू के है ना प्लस टू के माइनस के माइनस वन इक्वल टू जीरो पहले दो में से क्या कॉमन आ गया टू के कॉमन आ गया फैक्टराइज आपने किया ही हुआ पहले के प्लस वन यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी क्या आ गया के प्लस वन थोड़ा सा ये क्वेश्चन भारी हो रहा होगा आपके लिए है ना लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो अच्छा पढ़ रहे हैं है ना उनका भी ध्यान रखना ही है हमें तो कितना आएगा टू के माइनस वन और के प्लस वन बराबर में आ गया जीरो तो यहाँ से के की एक वैल्यू तो आ रही है टू के माइनस वन को अगर जीरो करोगे तो के की वैल्यू कितनी वन बाई टू और जब इस चीज़ को ज़ीरो करोगे तो के की वैल्यू माइनस वैलू दो आंसर आ रहे हैं एक तो ये और एक ठीक है भाई दो आंसर आ रहे हैं क्लियर किस किस को क्लियर हो गया है कुछ बच्चों के लिए तो भारी हो गई होगी चीज़ें लेकिन मुझे उम्मीद है ज़्यादातर को क्लियर हो गया होगा ठीक है फॉर्मूला से भी ऐसे ही आएगा भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है फॉर्मूला से खुद करके देखो यही आएगा ठीक है मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए छोटा करके दे देता हूँ ताकि आप स्क्रीन खरीद पाओ ले पाओ लो ले लो भाई स्क्रीन ले लो जिसने ले लो दिखाई दे रहा होगा ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया भाई जो कोई बीच में अगर मान लीजिए आपको पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप क्या करें इसकी रिकॉर्डिंग देखें है ना क्योंकि तो पूरा एकदम से सारा चीज दोबारा नहीं बता पाऊंगा क्लियर है क्योंकि तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे और एक घंटे की क्लास में अगर एक दो क्वेश्चन ही हो तो फिर मजा नहीं आएगा तो इसलिए अगर किसी पॉइंट पे आपको कहीं पे दिक्कत आती है बेटा तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिए आपको रिकॉर्डिंग वैसे भी मैं उपलब्ध करवा ही देता हूँ है ना है ना रिकॉर्डिंग आपके पास आई जाती है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं क्लियर है चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब आगे बढ़ते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे बेटा अभी तक तो हमने किया था कि ट्राइंगल का एरिया निकालना है लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई और कॉर्डिनेटर ना ट्राइंगल की जगह आ आ जाता है ना, की आ जाता है यानी कि चार वर्टिस है? चार वर्टिसेस वर्टिसेस ठीक मान लीजिए कोई किसी भी तरीके का बना लो है ना कॉर्डिनेट सिस्टम में चार वर्टिसेस आ वर्टिस मान लो ये आ गया एक्स वन वाई वन या आ गया एक्स टू वाई टू या आ गया एक्स थ्री वाई, वाई थ्री और ये आ गया एक्स फोर वाई फोर मान लो इसका एरिया निकालना है तो अब इसके लिए भी आप क्या करें जो मैंने आपको ट्राइंगल के लिए तरीका बताया सेम वही इसमें भी आप लगा के देखें क्या कौन सा तरीका स्टेयर मेथड स्टेयर मेथड याद है आपको इस चीज को बोला जाता है स्टेयर मेथड जो मैं लगाता हूं जो मैं करता हूँ है ना फॉर्मुला के विपरीत फॉर्मूला से अलग जो हम कर रहे हैं उसको बोला जाता है स्टेयर मेथड तरीका क्या होगा एरिया क्या आएगा वन बाय ध्यान से देखिए फिर ये मोड का निशान तो आता ही है वन बाय टू मोड का निशान तो आती है ध्यान से देख लेना पहले क्या लिखा आपने एक्स वन वाई वन फिर क्या लिखा भाई एक्स टू वाई टू फिर क्या लिखा आपने एक्स थ्री वाई थ्री फिर क्या लिखा आपने एक्स फोर वाई फोर और फिर मैंने बोला था जहां से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म यानी कि क्या आएगा एक्स वन वाई वन ये आपके पास आ जाएगा तरीका तरीका आप जानती हैं बाकी सॉल्व करने का तो सॉल्व करने का तरीका तो आप जानती हैं कैसे करेंगे ऐसे वही चीज जो चलती है इधर से मल्टीप्लाई चलेगा और फिर माइनस क्या करोगे ये वाली चीज बोलो सही बात है क्या क्या क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को बोलो क्या क्लियर है कैसे करना है स्टेयर मेथड में ठीक है नहीं फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं भाई क्योंकि फॉर्मूला देखो किस किस का करोगे है ना फॉर्मूला आप किस किस चीज का करोगे मान लो अब ये तो आपके पास क्वार था कल को आपके पास पेंटागन आ जाए यानी पांच वर्टिसेस आ जाए। पांच में कैसे करोगे बिल्कुल यही तरीका चलेगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर एक्स फाइव वाई फाइव और फिर यहां से शुरू किया एक्स वन वाई वन तो ये तरीका सदाबहार तरीका है कौन सा तरीका है सदाबहार ठीक है जी कौन सा तरीका है सदा बहार तो आपको इसी से करिए क्वेश्चन है ना आप किस किस का फॉर्मूला याद करेंगे मैं अगर आपको दस दस पॉइंट का दे दूंगा तो क्या दस के दस का याद कर लोगे क्या ठीक है ना दस के दस का याद नहीं किया जा सकता अफकोर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट द फॉर्मूला मोहित राव कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जैसे ट्राइंगल के लिए किया वैसे इसके लिए भी किया जा सकता है बट बात वो है कि आप कितने फॉर्मूला याद रखेंगे ना ठीक है सारे जित, जितने भी वर्ट आ जाए हमेशा ये तरीका लगाओ आसानी से आंसर आएगा ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फिर मैं आपको एक एरिया के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं चलो भाई क्वेश्चन दे रहा हूं आपको आप लोग एरिया निकालिए जरा वर्टिसेस हैं पहला वर्टिसेस है वन कोमा वन दूसरा वर्टिसेस है सेवन कोमा माइनस थ्री सभी बच्चे ट्राई करके जरूर देखें फिर है ट्वेल्व कोमा टू और फिर है सेवन कोमा ट्वेंटी वन ठीक है जी जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करके मुझे आंसर भेजो देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है सभी बच्चे ट्राई करके आंसर भेजिए तरीका आपको बता ही दिया है जल्दी से भेजो भाई सक्षम गर्ग का आंसर सबसे पहले आ गया है उसके बाद शिवम का भी आंसर आ चुका है निहार आपका आंसर गलत आ रहा है भाई थोड़ा सा थोड़ा सा गलत आ रहा है आपका आंसर देखो कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक करी होगी आर्यन सिंह का आंसर सही आ गया है बाकी बच्चे भेजो भाई जल्दी से गुलशन का सही आ गया आंसर गुलशन कुमार ऋषभ कुमार का आंसर सही आ गया है नहीं शशांक थोड़ा सा गलत किया कहीं पे मयूर आपने टू से डिवाइड नहीं किया है रुद्र प्रताप सिंह सही आंसर है भाई हाँ अब ठीक आ रहा है मयूर आंसर तुम्हारा अब सही आ रहा है चलो भाई देखो करने का तरीका वही है बार बार है ना देखो ध्यान से वन बाय टू वन बाई टू यहाँ पे आपने मोड़ लगाया पहले वन वन से शुरू किया वन वन फिर क्या आया सेवन आया और माइनस थ्री आया फिर क्या आया ट्वेल्व आया और टू आया देन सेवन और ट्वेंटी वन और फिर वापस खत्म कहाँ पे करना है वन वन पे ही खत्म करना है जहां से शुरू वहीं पे खत्म याद रखना इस बात को अब आगे वन बाय टू मोड़ लगाया सबसे पहले इधर को मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू माइनस थ्री आएगा माइनस थ्री सेवन इंटू टू आएगा फोर्टीन ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी वन जल्दी से आप लोग बताओ ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी वन कितना आने वाला है ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी वन बताओ जल्दी से कितना आने वाला है ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी वन टू फिफ्टी टू ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी वन आ रहा है टू फिफ्टी टू ठीक है और फिर सेवन इंटू वन कितना आ गया भाई सेवन आ गया फिर माइनस का निशान और उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे माइनस का निशान और उल्टा बोलो सेवन इंटू वन कितना आ गया भाई सेवन ही आ गया ठीक है और फिर ट्वेल्व इंटू माइनस थ्री आ जाएगा माइनस का थर्टी सिक्स फिर सेवन इंटू टू फोर्टीन एंड ट्वेंटी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों ने कर लिया वो हाँ 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है मयूर हमेशा तो कितना आएगा 1 by 2. इस चीज़ को सॉल्व करके बताओ जरा कितना आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करके जल्दी से बोलो आप लोग रिप्लाई दो केवल जितना मैंने मार्क किया है उतना बताओ दो चलो भाई आप लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं दो माइनस में अंदर बताओ कितना आ रहा है अंदर कितना आ रहा है छः अंदर आ रहा है बच्चे कह रहे हैं सर रहा है ठीक है बात ये तो यहाँ से दो में से जब आप छः हटाएंगे तो कितना आएगा दो तो वन बाय टू और यहाँ पे आ गया आपके पास दो सौ चौसठ तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया भाई एक सौ बत्तीस यूनिट ठीक है जी ये आपका फाइनल आंसर चलिए जी किस किस का आंसर सही आ गया जल्दी से रिप्लाई भेजो हाउ मेनी ऑफ यू हैज डन इट करेक्ट चलो भाई काफी सारे बच्चों का आंसर अब सही आ रहा है काफी सारे बच्चों का आंसर अब सही आ रहा है ठीक है करेक्ट आ रहा है बिल्कुल सही चलो अच्छी बात है भाई अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आप लोग लिखिए क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है आपके लिए इफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल

कैन नॉट बी इक्विलेटल तो आपको प्रूव करना है जो ट्राइंगल है वो कभी भी इक्विलेटल नहीं बनेगा कब नहीं बनेगा ध्यान से देखिए कंडीशन क्या बोली उसने आपको कंडीशन ये बोली कि अगर जो कोऑर्डिनेट है वो रेशनल है अगर जो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है यानी जो x1 y1 है x2 y2 है x3 y3 है अगर वो आपके कैसे हैं भाई अगर वो आपके कैसे हैं जल्दी से बोलो अगर वो आपके कैसे हैं रैशनल है तो रैशनल में वो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे कभी भी नहीं बनाएंगे कारण कारण समझ के बताइए क्या कारण समझ के देखिए क्या ध्यान से सुनिएगा भाई आप जानते हैं कि मान लीजिए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है X1, Y1, X2, Y2, और X3, Y3. ये मान लो तीन कोऑर्डिनेट हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के बारे में मुझे क्या बोला हुआ है कोऑर्डिनेट्स के बारे में मुझे क्या बोला हुआ है कि ये कोर्डिनेट जो है वो रेशनल है कैसे है भाई रैशनल है अगर ये कोऑर्डिनेट्स रैशनल है देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मुला आपको याद होगा क्या था लिखा था वन बाई टू फॉर्मूला याद है क्या क्या लिखते थे अपन एक्स वन आता था वन के बाद क्या टू माइनस वाई थ्री फिर क्या था? X2 आता था टू के बाद क्या क्या आएगा और फिर आता आता था था के साथ फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ याद होगा सभी बच्चों को है ना फॉर्मूला भी याद होना बहुत जरूरी है तो अगर आप ध्यान से देखें भाई ये जितने भी नंबर आप अंदर यूज कर रहे हो ये सारे के सारे क्या रैशनल नंबर है जल्दी से बोलो जितने भी नंबर आप अंदर यहाँ यूज कर रहे हो ये सब कुछ रैशनल है और रैशनल्स को जब भी आप सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या आएगा रैशनल ही आएगा बोलो क्या सही बात है अगर आप रैशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हो अगर आप रैशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा रैशनल ही आता है जल्दी से बोलो यदि आप रैशनल नंबर को प्लस माइनस करते हो तो आंसर हमेशा कैसा आता है भाई रैशनल ही आता है सही बात है क्या इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है चलो तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर कोऑर्डिनेट्स रैशनल हैं तो एरिया भी रैशनल है अगर कोऑर्डिनेट्स रैशनल हैं तो एरिया भी रैशनल है इक्विलेटर ट्रायंगल का जानते हैं क्या आप सभी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई रूट थ्री बाय फोर नोट कर लीजिए जिसको नहीं पता रूट थ्री बाय फोर इंटू में साइड का स्क्वेयर रूट थ्री बाय फोर इंटू में साइड का स्क्वेयर ठीक है जी नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना ये बात इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मुलाई में है भाई? अब ध्यान 3 कैसा होता है? जल्दी से बताओ अंडर रूट थ्री कैसा नंबर होता है रैशनल की इरेशनल जल्दी से बोलो अंडर रूट थ्री कैसा होता है रैशनल होता है या इरेशनल होता है सभी का रिप्लाई आना चाहिए रूट थ्री कैसा होता है रेशनल होता है या इेशनल जल्दी से बोलो

कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं है ना तो हम बोल सकते हैं यहाँ से है ना hence, proved, क्या प्रूफ कर दिया हमने कि अगर ऐसा है hence, proved, कि अगर ऐसा है अगर ऐसा है, कि जो वर्टिसेस हैं ये तीनों वर्टिसेस जो हैं, अगर ये तीनों वर्टिसेस कैसे हैं अगर ये तीनों वर्टिसेस रैशनल हैं, अगर ये तीनों वर्टिसेस कैसे हैं भाई अगर ये तीनों वर्टिसेस रैशनल हैं तो उस केस में क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा रैशनल आएगा जबकि इक्विलेटरल का एरिया कैसा आता है इरेशनल आता है क्या सभी को पॉइंट क्लियर है क्लियर है तो वाई लिखो और स्क्रीनशॉट ले लो क्लियर है तो वाई लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से कॉन्ट्राडिक्शन से भी प्रूफ करके देख लो कुना राठी कोई दिक्कत नहीं है भाई बेटा फर्स्ट मेथड से ही तो किया है ये चलो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी से क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जल्दी से क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे आंसर निकालें फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन पॉइंट आपको दे रहा हूँ फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन जो वर्टिसेस हैं वो हैं वन कोमा वन दूसरा वर्टिसेस है सेवन कोमा ट्वेंटी वन तीसरा वर्टिसेस है इसका सेवन कोमा माइनस थ्री चौथा है आपका ट्वेल्व कोमा टू और पांचवा वर्टिसेस है इसका जीरो कोमा माइनस थ्री ठीक है जी ये पांच वर्टिस हैं आपको निकालना है इसका आंसर जल्दी से निकालो जल्दी से निकालो सभी बच्चे निकालो और आंसर भेजो तो आंसर निकालने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं अगेन वही चीज़ करेंगे वन बाई टू लगाएंगे स्टेयर मेथड लगाइए सबसे पहले क्या आएगा वन वन फिर क्या आएगा सेवन और ट्वेंटी वन फिर आएगा सेवन और माइनस थ्री ट्वेल्व और टू ज़ीरो और माइनस थ्री और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा वापस वन वन है ना लास्ट में वन वन वापिस डालना मत भूलना नहीं तो दिक्कत कर लोगे अपने लिए ठीक है फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं नंबर्स को वन बाई टू सबसे पहले वन इंटू ट्वेंटी वन आएगा ट्वेंटी वन सेवन इंटू माइनस थ्री हो गया भाई कितना माइनस का ट्वेंटी वन सेवन इंटू टू हो गया फोर्टीन ट्वेल्व इंटू माइनस थ्री दट इज़ माइनस का थर्टी सिक्स और ज़ीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा फिर माइनस के साथ यहाँ से शुरू किया सेवन इंटू वन सेवन प्लस ट्वेंटी वन इंटू सेवन सेवन इंटर सेवन सेवन टू फिर ट्वेल्व इंटू माइनस थ्री यानी माइनस का थर्टी सिक्स जीरो इंटू टू जीरो और वन इंटू माइनस थ्री क्या माइनस थ्री यहाँ तक सभी ने कर लिया होगा जल्दी बोलो आंसर आने शुरू हो गए चलो बहुत बढ़िया देखते है किसका सही आ रहा है देखो भाई कितना आ गया by तो है देखते हैं जल्दी से।, जल्दी से बता दो माइनस ट्वेंटी टू। जी और यहाँ पर जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कितना आ रहा है इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जल्दी से बताओ कितना आ है इस ब्रैकेट को ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी से भेजो एक सौ पंद्रह पक्का चलो एक सौ पंद्रह है ना आप ही लोग सोल्व करके भेजो तो कितना आ गया ओवरऑल वन बाई टू और क्योंकि मॉड है तो जब ऐड करके नेगेटिव आ रहे, वो प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा दो और 5 ये हो जाएगा सात तीन एक सौ सैंतीस बोलो सही बात है क्या वन थर्टी सेवन सही है टू से डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया जल्दी बोलो जल्दी से बोलो कितना आ रहा है एक सौ सैंतीस बाय दो कितना आ गया टू सिक्स सक्षम मोहित उज्जवल साकेत सही है भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे ठीक है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एरिया पे और कॉलुनिटी पे करवा दिए हैं ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आपको एरिया और कॉलोनीटी पे मैं करवा चुका हूँ भाई तो अब कोई गलती नहीं चाहिए इसमें ठीक है अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब कोई गलती आप लोग नहीं करेंगे ठीक है फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो भाई कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है आप चाहें तो आप फ्रैक्शन में लिख लें उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं ठीक है चलो भाई एक आधा क्वेश्चन और मैं आपको पे दे रहा हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ देन वी विल प्रोसीड क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट्स 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 क्या क्या है भाई पॉइंट्स है ए कोमा जीरो जीरो कोमा बी एंड एंड वन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर ये पॉइंट अगर कोलिनियर है इफ द पॉइंट आर कोलिनियर आपको बताना है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉइन बी ये किसके बराबर आएगा ठीक है वन अपॉइन ए प्लस वन अपॉइन बी ये किसके बराबर आएगा ठीक है जी ध्यान से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी अगर जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है अगर वो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है तो आपको बताना है कि वन अपॉइन ए प्लस वन अपॉइन बी किसके बराबर आएगा तो कोलिनियरिटी की कंडीशन है आपको याद होनी चाहिए ना कि आप एरिया ऑफ ट्रैंगल क्या कर देते थे जीरो कर देते थे वही चीज लगाते हैं इसमें देखो एरिया ऑफ ट्राएंगल अगर मैं जीरो करूँ तो एरिया ऑफ ट्रैंगल होगा वन बाई टू मॉड आ जाएगा पॉइंट्स लिखना शुरू किया ए जीरो जीरो बी वन वन और फिर वापस ए जीरो और ये चीज किसके बराबर जीरो के बराबर बोलो सही बात है क्या बार बार मैं इसी चीज का यूज करता हूँ क्योंकि ज्यादा आसान है है ना आप चाहे तो फॉर्मूला से कर लें टू को आप उधर लेके खत्म मल्टीप्लाई कराना शुरू किया बोलो क्या आएगा ए बी बोलो ए बी फिर जीरो को वन से किया जीरो वन को जीरो से किया जीरो खत्म माइनस यहाँ से शुरू किया जीरो इंटू जीरो जीरो कितना आएगा वन इंटू बी b प्लस फिर आ जाएगा a और ये चीज किसके बराबर जीरो के बराबर तो ओवरऑल अगर इस चीज को मैं उधर ले जाऊं तो ए बी बराबर आ गया ए प्लस बी बोलो क्या यहाँ तक आपको क्लियर है जल्दी से बोलो यस yes लिख के क्या यहाँ तक की करी गई बात सभी को क्लियर है क्या यहाँ तक की करी हुई बात सभी को क्लियर है चलो सब बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ तक क्लियर है बहुत सही ठीक है सत्यम कह रहा है सर रिपीट बेटा सिर्फ ये किया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया है और उसको जीरो के बराबर कर दिया। पॉइंट्स को देख मल्टीप्लाई करा, A को बी तो और 1 को A से कराएगा, तो क्या? A, उसको उधर ले गए ठीक है बात ये चलो भाई अब ध्यान से देखना मुझे वन A प्लस वन B लाना। तो मैं इस ए बी को क्या कर रहा हूँ मैं दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड क्या कर रहा हूँ ए बी से डिवाइड कर रहा हूँ ध्यान से देखेगा भाई अगर मैं दोनों साइड ए बी से डिवाइड करता हूँ यहाँ भी ए बी से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी क्या किया ए बी से डिवाइड कर दिया बोलो सही बात है क्या तो ए बी अपॉन ए बी तो यहाँ आ गया वन बराबर में ए के नीचे जब ए बी को लिखूंगा लिख देता हूँ ए के नीचे एक तो ए बी आ गया और एक किसके नीचे आ गया बी के नीचे आ गया बोलो सही बात है क्या ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं हम लोग कोई दिक्कत तो नहीं ए से ए कट गया बी से बी कट गया तो वन इज इक्वल टू किसके आ गया भाई वन अपॉन बी प्लस वन ओपन नहीं और यही तो निकालना था हमें क्या यही निकालना था हमें वैल्यू कितनी आ गई वन तो हमारा आंसर कितना आ गया वन तो ये जो आंसर आएगा ये किसके बराबर आ रहा है लिख लीजिए ये आ रहा है बराबर किसके बराबर आ रहा है वन के हाँ जी क्वेश्चन किस किस को क्लियर हो चुका है किस किस को ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है क्लियर हो चुका है देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें दो तीन बातों का ध्यान आपको रखना है पहला तो क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको जीरो करना है ठीक है भाई और फिर क्या दोनों साइड एबी से डिवाइड करना है क्लियर है चलिए मुझे बताइए किस किस बच्चे ने मॉड्यूल बनानी शुरू कर दी है कोऑर्डिनेट की